हाँ, आज हम बात करने वाले हैं C++ में मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड दैट इज व्हाट स्ट्रिंग्स। ही आप C++ का पहला प्रोग्राम अगर इंटरव्यू में बनाते हैं या C++ में अगर आप इंटरव्यू फेस करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज स्ट्रिंग, क्योंकि जो पहली हेडर फाइल हम इंक्लूड करते हैं दैट इज हायो स्ट्रिंग डॉट एच। सीक्वेंस ऑफ डेटा इन बाइनरी फॉर्मेट इज कॉल्ड ए स्ट्रिंग। इसकी जो प्रॉपर्टी है वो आई स्ट्रिंग के थ्रू भी इसके पास पहुंच रही है और ओ स्ट्रिम के थ्रू भी इसके पास पहुंच रही है, और सेम अलग अलग थोड़ी ना आ रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको C++ में बोलते हैं डायमंड प्रॉब्लम। तो जो स्ट्रिम डेटा को कंसोल पे लेके जाती है, मतलब ये जो है एक्चुअली दिस इज सी आउट, ये आउटपुट स्ट्रिम जो है ये मेरी सी आउट है और ये जो स्ट्रिम है ये मेरी सीन है। दिस आर द टू स्ट्रिम, सीन एंड सी आउट। मैंने लिखा वेलकम, तो वेलकम को इंसर्ट कर रहा है ये, इसको बोला जाता है इंसर्शन ऑपरेटर। This is called insertion operator, जो आपके डेटा को स्ट्रिम में इंसर्ट करता है। तो जब भी किसी डेटा को आपको स्ट्रिम को देना है तो वो डेटा स्ट्रिम में इंसर्ट कौन करेगा, ये इंसर्शन ऑपरेटर। हेलो दोस्तों, स्वागत एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर C++ प्रोग्रामिंग की इस फ्री सीरीज में, जहां आज हम बात करने वाले हैं C++ में मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड दैट इज व्हाट स्ट्रिम्स। लास्ट लेक्चर इफ यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था C++ के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर, कि किस तरीके से आपको प्रोग्राम लिखना है, ये कुछ डिस्कशन हमने लास्ट टाइम किया था। ओके, कि VS कोड में कैसे लिखना है, टर्बो C++ में क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है, ठीक है। देन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था हेडर फाइल्स क्या होती है, ओके, मेन क्या है, व्हाट इज ड्राइवर फंक्शन, कमांड लाइन, ये सारा डिस्कशन हमने लास्ट टाइम किया था कि हाउ टू राइट अ C++ प्रोग्राम, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द C++ प्रोग्राम, किसी प्लस प्लस के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है। लेकिन प्रोग्राम क्या लिखना है ये हम आज से शुरू करेंगे। तो यहां पर आज हम हमारा पहला प्रोग्राम बनाएंगे और ये समझेंगे कि इस प्रोग्रामिंग में स्ट्रिम का क्या यूज है। क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि जैसे ही आप C++ का पहला प्रोग्राम अगर इंटरव्यू में बनाते हैं या C++ में अगर आप इंटरव्यू फेस करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज स्ट्रिम, क्योंकि जो पहली हेडर फाइल हम इंक्लूड करते हैं दैट इज हायो स्ट्रिम डॉट एच, ये मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। तो मैं आपको हमेशा शुरुआत में ही एक रिक्वेस्ट करता हूं कि हमेशा आप प्रीवियस लेक्चर को फॉलो करें ताकि आपको अगला लेक्चर इजीली समझ में आ जाए। इसका रीजन भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ठीक है। तो अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स को विजिट करके आ रहे हैं तो चीजें थोड़ी सी आसान रहेंगी आपके लिए, ठीक। तो अब यहां पर ये तो हमने स्ट्रक्चर की बात कर ली, लेकिन अब सुनना ध्यान से कि यदि मुझे C++ में अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखना है तो यहां पर हमने सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड किया, है ना, हमने लिखा हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रिम डॉट एच, ओके। देन विल डिस्कस अबाउट हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, ये आपको इंक्लूड करना है अगर आप टर्बो C++ में कोड लिख रहे हैं। VS कोड में कोनियो डॉट एच की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ओके। अब यहां पर आप देखिए, यदि मान लो मैं यहां पर लिखता हूं void main, ठीक है, ये भी हमने देखा था कि ड्राइवर फंक्शन है, लेकिन अब मुझे क्या करना है, अब मैं चाहता हूं कि मैं यहां पर ऐसा कोई कोड लिखूं जिससे मुझे कंसोल पे कोई आउटपुट मिले। मैं चाहता हूं मुझे पहला आउटपुट मिले वेलकम इन C++, दिस इज व्हाट द आउटपुट आई वांट, वेलकम इन C++ इन अ सिंगल लाइन, एक ही लाइन पे चाहिए, यह मुझे आउटपुट चाहिए। तो अब आप समझिए यहां पे कि यदि हम बात कर रहे हैं कि यह मेरा C++ का प्रोग्राम है ना, समझना, यह मेरा C++ का प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम से, ये मेरा C++ का प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम से हम किसी डेटा को कंसोल पे रखना चाह रहे हैं ना, ये मेरी कंसोल स्क्रीन है, ठीक। तो यहां से एक डेटा हम कंसोल पे राइट करना चाह रहे हैं, समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं हम, ओके। कि मान लो मैंने यहां पर C++ के प्रोग्राम में लिखा कि बॉस मुझे प्रिंट करना है वेलकम, ठीक है, तो ये वेलकम क्या है, ये वेलकम मेरा वो डेटा है जिसको मुझे कंसोल पे प्रिंट करना है। तो यहां पे इस डेटा को कंसोल पे लेके जाएगा कौन, मतलब हाउ दिस डेटा ट्रेवल फ्रॉम प्रोग्राम टू कंसोल स्क्रीन, क्या आपका प्रोग्राम कंसोल तक ट्रेवल करेगा कैसे। तो यहां पर आप समझना, आप हमारे C++ प्रोग्राम और कंसोल के बीच में, ठीक है, देर इज अ मीडिएटर, एक मीडिएटर है जो आपके डेटा को कंसोल तक लेके जा रहा है, ठीक है। और ये जो मीडिएटर है ये डेटा को लेके जाता है बाइनरी फॉर्मेट में, इट इज अ बाइनरी बिट फॉर्मेट 10, ठीक है, 11 समथिंग लाइक दिस, बाइनरी फॉर्मेट में आपका डेटा ट्रेवल करेगा प्रोग्राम से कंसोल की ओर, कि आपके डेटा को प्रोग्राम से कंसोल पे ले जाने का जो काम है वो ये मीडिएटर करेगा।
और ये जो डेटा ट्रैवलिंग होगी इट इज इन द बाइनरी फॉर्मेट, आपका डेटा बाइनरी फॉर्मेट में ट्रैवल करेगा। ओके तो यहां पर अब आप समझिए कि ये जो मीडिएटर है, एक्चुअली ये मीडिएटर कहलाता है स्ट्रीम, दिस इज कॉल्ड ए स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ डेटा इन बाइनरी फॉर्मेट, सीक्वेंस ऑफ डेटा इन बाइनरी फॉर्मेट इज कॉल्ड ए स्ट्रीम। ठीक है, डेफिनेशन क्या बोल रहा हूं मैं, सीक्वेंस ऑफ डेटा इन बाइनरी फॉर्मेट, बाइनरी फॉर्मेट में किसी भी डेटा की जो सीक्वेंस होती है वो कहलाती है स्ट्रीम। तो यहां पर आप समझिए C++ के प्रोग्राम और कंसोल के बीच में, मान लो आपने डेटा दिया है वेलकम, तो आपके प्रोग्राम और कंसोल के बीच में देयर इज एन स्ट्रीम, एक स्ट्रीम है जो आपके प्रोग्राम और कंसोल के बीच में कनेक्टेड है, और ये स्ट्रीम आपके डेटा को कंसोल पे लेके जा रही है। तो स्ट्रीम क्या है ये समझ में आया आपको, कि डेटा जब भी ट्रैवल करता है इट इज ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी बिट्स। तो बाइनरी फॉर्मेट में डेटा की जो सीक्वेंस होती है वो स्ट्रीम कहलाती है। अब ये जो स्ट्रीम होती है ये दो टाइप की होती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रीम, राइट। स्ट्रीम के दो टाइप होते हैं, ये जो स्ट्रीम है जिसके भी मैं बात कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा है ये, मैं आई होप आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि यहां पे इस पर्टिकुलर टॉपिक में चॉइस नहीं है बेटा, समझना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम C++ में कोड लिख रहे हैं तो दिस इज द इनिशियल कॉन्सेप्ट जो कि आपको समझ में आना चाहिए। और बड़ा सिंपल सा आसान सा कॉन्सेप्ट है कि किसी भी डेटा को, चाहे वो डेटा, अभी हम बात करेंगे देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा जो हम प्रोग्रामिंग में यूज करने वाले हैं, डेटा स्ट्रिंग होगा, डेटा इंटीजर होगा, डेटा डेसिमल होगा, किसी भी टाइप के डेटा को जब आप प्रोग्राम से कंसोल की ओर लेके जाने की बात करेंगे तो इसको लेके इसकी ट्रैवलिंग किसके थ्रू होगी, स्ट्रीम। तो स्ट्रीम मतलब डेटा की सीक्वेंस किस फॉर्मेट में, बाइनरी फॉर्मेट में, दैट इज कॉल्ड स्ट्रीम। ये सिंपल सी डेफिनेशन होती है स्ट्रीम की, कि यदि आपसे पूछा जाए व्हाट इज स्ट्रीम तो हम सिंगल लाइन डेफिनेशन क्या देते हैं, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, सीक्वेंस ऑफ डेटा इन बाइनरी फॉर्मेट इज कॉल्ड स्ट्रीम। पर ये जो स्ट्रीम है एक्चुअली ये दो काम के लिए यूज होती है, या तो आपका डेटा प्रोग्राम से कंसोल पे जाएगा, वो स्ट्रीम जो डेटा लेके जा रही है इसको बोला जाता है आउटपुट स्ट्रीम, दिस इज कॉल्ड, ध्यान से सुनना, आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, ये कहलाती है आउटपुट स्ट्रीम, ठीक। और वो स्ट्रीम जो आपका, मतलब आउटपुट मतलब जो डेटा लेके जा रही है ना, दिस वन फर्स्ट वन। अब वो स्ट्रीम जो आपका डेटा कंसोल पे लेके आएगी है ना, ये भी बाइनरी फॉर्मेट में, क्यों लेके आएगी अभी हम बात करेंगे, कि हम जब यूजर से इनपुट लेंगे, ठीक है, जब हम यूजर से इनपुट लेंगे तो यूजर इनपुट देगा कंसोल पे। मान लो आपने प्रोग्राम बनाया जहां पर आपने बोला एंटर अ नंबर, तो नंबर यूजर देगा कंसोल पे, लेकिन वो नंबर आपको चाहिए प्रोग्राम में कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। तो वो स्ट्रीम, अरे वो कब होगा अभी हम बात करते हैं, डोंट वरी, अभी स्ट्रीम पे फोकस करो आप, राइट। वो स्ट्रीम जो आपका डेटा कंसोल से लेके आएगी, एक डेटा प्रोग्राम से कंसोल पे लेके जा रहा है बाइनरी फॉर्मेट में, तो स्ट्रीम ये भी है, और जो लेके आएगी स्ट्रीम वो भी होगी, लेकिन वो कहलाएगी इनपुट स्ट्रीम, वो कहलाएगी इनपुट स्ट्रीम। तो बच्चे सुन ध्यान से, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम के दो टाइप होते हैं, ठीक है। पहला आउटपुट स्ट्रीम और दूसरा इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। एक कहलाती है आउटपुट स्ट्रीम और दूसरी कहलाती है इनपुट स्ट्रीम। आउटपुट वो स्ट्रीम है जो डेटा को प्रोग्राम से कंसोल की ओर लेके जाएगा, और इनपुट वो स्ट्रीम है जो डेटा को कंसोल से प्रोग्राम की ओर लेके आएगा। मतलब जो, इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम बोले तो, आउटपुट जो भी आपकी स्क्रीन है उस तक डेटा ले जाने का काम स्ट्रीम करती है, वो आउटपुट स्ट्रीम कहलाती है। और कीबोर्ड से जब हम कुछ डेटा टाइप करते हैं तो उस डेटा को लेके आने का काम इनपुट स्ट्रीम करती है। इनपुट का मतलब है इनपुट, मतलब रीड द डेटा। मैं इसको अभी प्रोग्राम के सेंस में बता रहा हूं आपको, राइट। लेकिन आपकी जो भी स्क्रीन है उस स्क्रीन तक डेटा ले जाने का काम किसका, आउटपुट स्ट्रीम का। डेटा लाने का काम किसका, इनपुट स्ट्रीम का, क्योंकि आप कंसोल पे जो भी टाइप करोगे वो कीबोर्ड से करोगे, गॉट इट। तो अब ये कॉन्सेप्ट है कि ये तो समझ में आ गया कि आउटपुट और इनपुट स्ट्रीम क्या होती है, ठीक है। लेकिन अब मेजर क्वेश्चन ये है कि सर आपने बोला ये मीडिएटर है जो डेटा लेके जाएगा, तो ये सब मीडिएटर मतलब ऐसा कुछ कनेक्शन थोड़ी ना है कि मैंने यहां से यहां के बीच में कोई ऐसा एक रोप लगा दिया, रोप वे बना दिया है कि डेटा जा रहा है, ओके। अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि सर ये आउटपुट और इनपुट स्ट्रीम का काम कौन करता है प्रोग्रामिंग में, मतलब किसको हम बोलेंगे कि आउटपुट स्ट्रीम है और उसको डेटा देंगे कि भाई लेके जा,
या किसको हम बोलेंगे बॉस आप डेटा लेके आओ। तो कौन है जो C++ में आउटपुट या इनपुट स्ट्रीम का काम करता है? कोई तो है ना। ठीक है, तो यहां पर इस आउटपुट स्ट्रीम का काम C++ में, सुनना, C++ के बारे में मैंने आपको पिछली बार भी एक लाइन बोली थी कि अभी यहां पर हम कुछ ऐसे वर्ड यूज करेंगे जिनकी डिटेलिंग हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वो टॉपिक्स आगे आएंगे। लेकिन यहां पर आप देखिए, मैंने आपको बोला था ना, C++ इज मेनली यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। नो डाउट C++ प्रोसीजर और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों को सपोर्ट करता है, लेकिन अगर ये सुपर सेट है सी का, तो अगर आपको प्रोसीजर ओरिएंटेड फॉर्म में कोडिंग करना है तो फिर तो हम सी में भी जा सकते हैं। C++ इज मेनली यूज्ड और मेनली डेवलप्ड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, ठीक है। और आपको याद हो तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जब कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे, तब मैंने आपसे बोला था इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेन कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, कि मेनली हम बात करेंगे क्लासेस और ऑब्जेक्ट को लेके कॉन्सेप्ट की। तो समझना ध्यान से, C++ में आउटपुट स्ट्रीम का काम एक ऑब्जेक्ट करता है। आप यहां पर एक चीज नोटिस करना, किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको मेनली मिलेंगे ऑब्जेक्ट, और किसी भी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको मेनली मिलेंगे फंक्शन, ठीक है। जैसे सी में बात करते हैं तो डेटा को आउटपुट में ले जाने का काम करता है एक फंक्शन जिसका नाम है printf। अगर आपने सी पढ़ी है तो आपको शायद पता होगा। और जो डेटा लाने का काम करता है उसको बोलते हैं scanf। वो फंक्शन है, लेकिन C++ में ये काम करता है एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम है cout, और वो ऑब्जेक्ट जो डेटा रीड करने का काम करता है उसका नाम है सीन। तो सीन एंड cout, दिस आर टू ऑब्जेक्ट, ये दोनों ऑब्जेक्ट है। रिमेंबर, cout एंड सीन आर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये भी ऑब्जेक्ट है और ये सीन भी क्या है, अगेन इट इज एन ऑब्जेक्ट। तो cout इज एन ऑब्जेक्ट विच इज यूज्ड फॉर आउटपुट स्ट्रीम इन C++, एंड सीन इज एन ऑब्जेक्ट विच इज यूज्ड फॉर इनपुट स्ट्रीम इन C++। एंड डोंट कंफ्यूज कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, बहुत बात करेंगे बच्चे आगे, अभी केवल इनिशियल लेवल पे चीजों को समझो। कि यदि आपको प्रोग्रामिंग करना है तो प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको चाहिए आउटपुट एंड इनपुट स्ट्रीम, क्योंकि आपका डेटा लेके कौन जाएगा? तो जो स्ट्रीम डेटा को कंसोल पे लेके जाती है, मतलब ये जो है एक्चुअली, दिस इज सी आउट, ये आउटपुट स्ट्रीम जो है ये मेरी सी आउट है, और ये जो स्ट्रीम है ये मेरी सीन है। दिस आर द टू स्ट्रीम, सीन एंड सी आउट। आई बात समझ में? तो वो स्ट्रीम जो डेटा लेके जा रही है, मतलब C++ में मेनली वी हैव एन ऑब्जेक्ट, ठीक। अब बात ये है, सुनना आप ध्यान से, मतलब मैं यहां पर आपको केवल कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहा हूं, हम यहां पर हर उस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जो इंटरव्यू में पूछे गए हैं। इसलिए हर टॉपिक को बहुत तरीके से, बहुत डिटेल में जाके हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सी आउट और सीन दोनों क्या है, एक आउटपुट स्ट्रीम है, एक इनपुट स्ट्रीम है। अब यदि ये आउटपुट और इनपुट स्ट्रीम है और ये ऑब्जेक्ट है, तो C++ में या किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम ये बोलते हैं कि बॉस ये ऑब्जेक्ट है, ये बिना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के टाइम भी बोला था कि यदि मैं C++ में ये बोल दूं कि ये ऑब्जेक्ट है, तो दिमाग में पहला क्वेश्चन ले आना, और कभी मैं बताना भूल जाऊं तो कमेंट करके बता देना कि सर ऑब्जेक्ट किस क्लास का। वैसे तो मैं कभी भूलूंगा नहीं, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। तो यदि हम बात करते हैं सी आउट और सीन की, तो बच्चे समझना, सीन जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है उस क्लास का नाम है सीन, ऑब्जेक्ट जिस क्लास को बिलोंग करता है उस क्लास का नाम है आई स्ट्रीम, ठीक है। दिस आई स्ट्रीम इज अ क्लास जिसका ऑब्जेक्ट है सीन, ठीक है। और सी आउट जिस क्लास का नाम है उस क्लास का नाम है ओ स्ट्रीम, ओ स्ट्रीम इज अ क्लास जिसका ऑब्जेक्ट है सी आउट। तो इनिशियली जब हम C++ में काम करते हैं, ठीक है, इनिशियली काफी पुरानी बात कर रहा हूं, राइट। अब चलिए उसके पहले काम बात कर रहे हैं, ये जो आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम क्लासेस हैं, इन दोनों क्लासेस को C++ ने इनिशियली दो अलग अलग हेडर फाइल में रखा था, मतलब दिस क्लास बिलोंग्स टू एन हेडर फाइल, ठीक है, जिसका नाम है istream.h। ये अब नहीं है, बिकॉज मैंने आपको बोला था ना C++ चेंज देमसेल्फ 4 times। C++ ने अपने आप को इनिशियली से लेके आज तक 4 बार चेंज किया हुआ, अपग्रेड किया है। ये मैं बात कर रहा हूं इनिशियल वर्जन की। तो istream क्लास जो है ये थी istream.h में, और ostream क्लास जो है ये थी ostream.h में, ठीक है। और यहां पर आप समझना, अगर पूरी हायरार्की की बात करें तो इन दोनों की भी एक पेरेंट क्लास है, ठीक है, और उस पेरेंट क्लास का नाम है iOS। इस iOS से एक और क्लास इनहेरिटेड है जिसके बारे में आगे बात करेंगे, stream buffer, ठीक है। ये हायरार्की है एक्चुअली, stream buffer,
स्टीम बफ नाम से। अब देखिए अभी हमारा ये कप ऑफ टी है ही नहीं, स्टीम बफर क्या है अभी ना समझना है ना मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, लेकिन एक हायरार्की है आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों की टॉप मोस्ट क्लास है iOS, ठीक, और iOS से जो क्लास है वो है iSteam और OSteam। अब आप देखिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को अगर आप समझे तो क्या है एक्चुअली, जैसे एक बात है कि बॉस आप दो अलग अलग क्लास को क्यों यूज कर रहे हैं, जब आपके पास वो पावर है कि जिससे आप दो क्लास को मिलकर एक क्लास बना सकते हैं। क्योंकि आप देखिए मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग जो है, मतलब अगर मैं दोनों को यूज करने की बात कर रहा हूं, आउटपुट स्ट्रीम और इनपुट स्ट्रीम दोनों को, तो मुझे सी आउट की भी जरूरत पड़ेगी, मुझे सी इन की भी जरूरत पड़ेगी, राइट। इस पूरी कहानी को थोड़ा सा अपन समझते हैं। आप देखिए यहां पर आप सुनना ध्यान से, अगर मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूं तो मुझे ऑब्वियसली बात है मुझे सी आउट भी चाहिए, मुझे सी इन भी चाहिए, ओके। तो यहां पर पहले मुझे दो अलग अलग हेडर फाइल्स को यूज करना पड़ता था, लेकिन फिर सी प्लस प्लस को उसकी शक्ति का एहसास दिलाया गया, ठीक है। जैसे आपको अगर आपने अगर रामायण देखी है, ठीक है, थोड़ी सी एक स्टोरी की बात करते हैं। अगर आपने रामायण देखी है तो जब प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को बोला था कि बॉस आपको लंका जाना है और सीता जी को ये अंगूठी देना है और आपको उनके मिल के आना है, तो श्री राम जी को पता था कि ये काम अगर इन सब में कोई कर सकता है तो वो हनुमान जी ही कर सकते हैं, ठीक है, पवन पुत्र हनुमान ही ये काम कर सकते हैं। लेकिन हनुमान जी को यह समझ में नहीं आया कि यार मुझे क्यों बोला, मेरे में तो कोई पावर ही नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा सात समुंदर पार, कैसे मैं माता सीता को ढूंढूंगा वहां पे, राइट। तो वहां पर एक शख्स थे, उस रामायण में एक शख्स थे जामवंत, है ना, आपने अगर रामायण देखी है तो आपको पता होगा, एक शख्स थे जामवंत, उन्होंने श्री हनुमान जी को, मतलब प्रभु हनुमान जी को उनकी शक्ति का एहसास करवाया। क्या हुआ था, हनुमान जी जब बचपन में काफी शरारती थे ना, स्टोरी आपने सुनी होगी, काफी शरारती थे, तो कभी ये मतलब सूरज को खा लिया था उन्होंने, तो क्या हुआ था एक बार उन्होंने शरारत करते हुए कुछ ऋषि मुनियों के जो आश्रम है उनको तोड़ दिया था, तो एक शाप दे दिया था ऋषि ने कि आज से तेरी सारी शक्तियां खत्म, बहुत छोटे थे और तू तेरी शक्तियां भूल जाएगा। तब हनुमान जी की जो माता जी है उन्होंने काफी रिक्वेस्ट की, काफी हाथ पैर जोड़े ऋषि मुनि के, तो उन्होंने कहा था कि जब जरूरत पड़ेगी, मैं शाप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन जिस दिन जरूरत पड़ेगी इनकी एक्चुअल शक्तियों की, उस दिन इनको इनकी शक्तियों का एहसास कराया जाएगा और फिर इनके पास वो शक्तियां वापस आ जाएंगी। ये थी कहानी, ठीक है। क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि यहां सी प्लस प्लस के पास भी पावर है जो सी के पास नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ, जब जामवंत ने वो कहानी उनको सुनाई, जब उनकी शक्तियों का एहसास करवाया कि यार आप सोचो आप बचपन में आपने सूरज को खा लिया था, आप इतने बलशाली हैं, ठीक है, आप पवन पुत्र हनुमान है, आप उड़ सकते हैं, तब जाके हनुमान जी को उनकी शक्ति का एहसास हुआ कि मैं क्या हूं, अरे क्या है भगवान हनुमान, आप और हम सब जानते हैं, ठीक। तो ये कहानी सुनने के बाद फिर हनुमान जी बाकायदा लंका गए, आग भी लगाई, ठीक है, सीता जी से मिल के भी आए। तो यहां भी सेम कॉन्सेप्ट है, आप देखो कि जब आप सी प्लस प्लस को यूज कर रहे हो, आपके पास पावर है कि आप दो क्लासेस को इनहेरिट करके एक क्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो भैया करो ना। जब आपके पास पावर है कि आप मल्टीपल क्लासेस को सिमिलर प्रॉपर्टी दे सकते हैं, तो करो ना। तो वही किया, देखो उसने iOS की प्रॉपर्टी उसने iSteam को भी दी, OSteam को भी दी, और iOSteam से मिलके, i और OSteam से मिलके फिर एक क्लास इनहेरिट की iOSteam। अब यदि मुझे सीन और सी आउट दोनों को यूज करना है तो वाई शुड आई यूज दिस टू डिफरेंट क्लासेस, क्योंकि iOSteam में दोनों की प्रॉपर्टी है, इसमें iSteam की भी प्रॉपर्टी है, इसमें OSteam की भी प्रॉपर्टी है। तो यदि मुझे सी आउट सी इन को यूज करना है, सो आई विल गो फॉर दिस iOSteam। ये जो iOSteam नाम की क्लास है, दिस iOSteam इज अ क्लास, और ये क्लास जिस हेडर फाइल में रखी हुई है उस हेडर फाइल का नाम है iOSteam.h हेडर फाइल। तो यदि मैं केवल एक ही हेडर फाइल को इंक्लूड करता हूं तो मैं सी आउट को भी यूज कर सकता हूं, मैं सी इन को भी यूज कर सकता हूं, तो वाई शुड आई गो विद दिस टू डिफरेंट क्लासेस एंड टू डिफरेंट हेडर फाइल। लेकिन अभी थोड़ा सा समझने में आपको ये जो मैं आगे बताने वाला हूं ये तो समझ में आ गया होगा कि ये हायरार्की है। अब आप देखो इस प्रॉब्लम को एक्चुअली देखा जाए तो ये प्रॉब्लम है सी प्लस प्लस में, दिस इज अ प्रॉब्लम इन सी प्लस प्लस, और ये इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो प्रॉब्लम है ना ये क्या है, सुनना, समझ सकते हो अगर थोड़ा सा तो समझने की कोशिश करना, ना आए तो कोई चिंता नहीं, जिस दिन इस प्रॉब्लम को फेस करेंगे सी प्लस प्लस में उस दिन उसको सॉल्व भी कर लेंगे, राइट। लेकिन शुरुआत जब हम करते हैं ना तो ये प्रॉब्लम फेस हुई, सी प्लस प्लस ने खुद ने ये प्रॉब्लम फेस की है।
iOS से इनहेरिटेड हुई क्लास iStream और OStream, है ना? मतलब जो iOS की प्रॉपर्टी है वो iStream को भी मिली और OStream को भी मिली, और इन दोनों से मिलके ये क्लास इनहेरिट हुई iostream.h। तो आपको नहीं लगता इसकी मल्टीपल कॉपी यहां पे बन रही है? देखो आप, मतलब इसकी डेटा, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो iStream के थ्रू भी इसके पास पहुंच रही है और OStream के थ्रू भी इसके पास पहुंच रही है, और सेम अलग अलग थोड़ी ना आ रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको C++ में बोलते हैं डायमंड प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड डायमंड प्रॉब्लम, डायमंड प्रॉब्लम इन C++। और ये एक्चुअली आती है इस हायरार्की के कारण, और ये आपको पता कौन सा इनहेरिटेंस है? याद करो, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनहेरिटेंस इज कॉल्ड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। यदि आप इतना ऊपर वाला देखें तो आपको लगेगा कि दिस इज हायरार्कीकल इनहेरिटेंस, जहां एक क्लास से दो क्लास इनहेरिट हो रही है, और अगर आप ये नीचे वाला देखें तो आपको समझ में आएगा एक क्लास से दो क्लास इनहेरिट हुई है, मतलब ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है, और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू इनहेरिटेंस। तो जब ये इनहेरिटेंस C++ ने यूज किया तो ये प्रॉब्लम फेस हुई, इसको बोलते हैं एम्बिग्यूटी, एक्चुअली एम्बिग्यूस, कि देयर आर मल्टीपल कॉपी ऑफ दिस क्लास इनहेरिटेड इन दिस क्लास। तो इसका सॉल्यूशन जिस दिन टॉपिक पढ़ाऊंगा बेटा उस दिन बहुत डिटेल में बताऊंगा, लेकिन शुरुआत में कुछ चीजें आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और ना आए तो भी अच्छी बात है, आगे तो ये टॉपिक आएगा ही। इस डायमंड प्रॉब्लम को C++ ने रिजॉल्व किया था यूजिंग वर्चुअल क्लास, वर्चुअल क्लास को यूज करके इस डायमंड प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया गया था, ठीक है? तो C++ में जब हम देखिए, केवल हेलो प्रिंट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझो बात आप, राइट? C++ में आपको आई होप समझ में आया होगा स्ट्रीम्स क्या होती हैं, इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है? देन सी आउट क्या है, सी इन क्या है, ठीक है? एंड देन हमने इनकी हायरार्की की बात की कि जब हम इस स्ट्रीम को यूज करते हैं C++ में, सो देयर इज अ टॉप मोस्ट क्लास iOS, iOS क्लास से इनहेरिटेड है iStream OStream, iStream OStream से रिलेटेड है iOStream, और अभी तो इसकी हायरार्की और भी आएगी जब हम फाइल हैंडलिंग पे बात करेंगे, एफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, इफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम, उनसे इनहेरिटेड एफ स्ट्रीम, फिर इससे एक और क्लास इनहेरिटेड है, इसका नाम है, अभी मैंने लिखा था स्ट्रीम बफर, लेकिन अभी वो रिक्वायरमेंट नहीं है इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहा हूं, ठीक है? आगे हम इस हायरार्की को पढ़ेंगे तब उन सारी क्लासेस की बात करेंगे, ठीक है? तो अब ये हायरार्की के बाद, अब मैं अगर अपना पहला प्रोग्राम लिखता हूं तो आप देखिए अब मुझे क्या करना है, हैश इंक्लूड। अब आपको समझ में आएगा कि हम हेडर फाइल क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, अब मैं सी आउट लिखूंगा तो क्यों लिखूंगा, राइट? तो चलिए अब लिखते हैं हम, अरे लिख दे भाई, हैश इंक्लूड, ठीक है, आईओ स्ट्रीम डॉट एच, ये मेरी पहली हेडर फाइल, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, ये मेरी दूसरी हेडर फाइल, ठीक है? अब इन दो हेडर फाइल के बाद हमने लिखा void main, ठीक है? अभी जब हम कोडिंग करेंगे तो यहां पर हम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये भी बताने वाला हूं, डोंट वरी, नेम स्पेस हो सकता है ना, कई बार कई लोग प्रोग्राम देख लिया, सर आपने तो ऐसा लिखा ही नहीं, लिखेंगे, सब लिखेंगे, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, अगर आपको अपना खुद का नेम स्पेस क्रिएट करना है तो यू कैन यूज दिस नेम स्पेस, ठीक है? तो अभी देखते हैं, नॉट टू वरीड अबाउट दिस, लेकिन सिंपल कोडिंग जब प्रोग्राम चल सकता है तो क्यों अननेसेसरी कोडिंग को हम इंक्लूड करें, फिलहाल मेरा ये सोचना है, ठीक? अब ये मेरा प्रोग्राम है और ये मेरी कंसोल स्क्रीन है, कंसोल पे मुझे क्या आउटपुट प्रिंट करना है, कंसोल पे मुझे आउटपुट प्रिंट करना है वेलकम इन C++। तो देखिए आप, ये मेरा डेटा है जो मुझे प्रिंट करना है, ठीक है? सुनना, वेलकम, वेलकम इन C++, ठीक है, वेलकम इन C++, ये वो डेटा है जो आप प्रिंट करना चाहते हैं, वेलकम इन C++, ठीक? अब इस डेटा को हमें कंसोल पे एज इट इज प्रिंट करना है, तो यहां पर आप समझिए C++ में जब भी कोई डेटा, मतलब थ्रू आउट C++ हम चार तरीके के डेटा को यूज करने की बात करेंगे। पहला डेटा कुछ इस तरीके का होगा, 108, 28, 36, इसको बोलते हैं इंटीजर डेटा, ये कहलाता है इंटीजर, आगे बात करेंगे डेटा टाइप पे, ऐसा डेटा जिसमें डेसिमल पॉइंट होते हैं 12, 18.29, 20.13, ये कहलाता है डेसिमल, इसको बोलते हैं डेसिमल डेटा। तीसरा होता है ये एक्स वाई जेड, ये कहलाता है कैरेक्टर, इसको बोलते हैं कैरेक्टर डेटा। और एक होता है ये हेलो, ठीक है, ये डेटा हेलो, हाय, बाय, जो भी आप लिख रहे हैं, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इन डबल कोट्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग। तो आप देखिए चार टाइप के डेटा को हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं,
पूरे C++ में आप देखना, मैं चार के अलावा पांचवा डेटा कभी यूज ही नहीं करूंगा। या तो डेटा इंटीजर होगा, या डेसिमल होगा, या कैरेक्टर होगा, या स्ट्रिंग होगा। ओनली फोर टाइप ऑफ डेटा, राइट। लेकिन अब अगर मैं आपसे बोलूं, चलो मुझे आउटपुट में प्रिंट करना है वेलकम इन C++, तो जो डेटा अभी मैंने लिखा है वो इन चारों में से किस टाइप का है? क्योंकि C++ इन चार के अलावा पांचवा डेटा यूज नहीं करता है, तो जो मैंने अभी लिखा है वेलकम इन C++, ये डेटा किस टाइप का है? कैन यू टेल मी? वेलकम इन C++, ठीक। यहां पर ये जो डेटा है ये ना इंटीजर है, ना फ्लोट डेसिमल है, ना कैरेक्टर है, ना स्ट्रिंग है। आप बोलोगे सर स्ट्रिंग है, अरे कहां है स्ट्रिंग? यदि ये स्ट्रिंग है तो आपको इसको लिखना है डबल कोट्स में, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इन डबल कोट्स, राइट। तो जब भी C++ में किसी भी डेटा को आपको स्ट्रिंग फॉर्मेट में कंसोल पे प्रिंट करना है, सो यू हैव टू राइट डबल कोट्स। और जो आपने डबल कोट्स में लिखा है, आपका प्रोग्राम बिना कोई दिमाग लगाए उस डेटा को एज इट इज ले जाके कंसोल पे प्रिंट कर देगा। कोई दिमाग नहीं लगाएगा, वो सीधे आपका डेटा उठाएगा और कंसोल पे प्रिंट कर देगा। लेकिन उसके लिए आपको ये डेटा किसको देना पड़ेगा? ये डेटा देना पड़ेगा आपको स्ट्रिंग को। तो ये है मेरी स्ट्रिंग, देखो आप सी आउट, ठीक है, समझना इसको। अगर आप समझो तो देखो ये सी आउट क्या है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। इस डेटा को ले जाने के लिए ये वेलकम आपको इस स्ट्रिंग में क्या करना पड़ेगा? ये आपका डेटा है वेलकम, डब्ल्यू ई एल, ठीक है, ये आपका डेटा है, दिस इज योर डेटा। इसको ले जाने का काम कंसोल पे कौन करेगा? ये सी आउट, क्योंकि सी आउट के बारे में मैंने भी आपको बोला ये स्ट्रीम है जो आपके डेटा को कंसोल पे लेके जाएगी। अरे समझ बात को, ठीक है। तो आपका ये डेटा और नो डाउट ये बाइनरी फॉर्मेट में लेके जाएगा, तो सी आउट बोल रहा है मैं तैयार हूं, डेटा आप दे दो, डेटा ये रखा हुआ है जिसको लेके जाना है। लेकिन सी आउट पता है क्या बोलेगा? सी आउट ये बोलेगा भैया डेटा इंसर्शन तेरे को करना पड़ेगा, मतलब स्ट्रीम रेडी है, स्ट्रीम ये है, ये स्ट्रीम रेडी है, स्ट्रीम में आपको इस डेटा को इंसर्ट करना पड़ेगा। ये आपका डेटा है, सी आउट स्ट्रीम है, ठीक है। अरे इसको ऐसे समझ यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लाइटली मत ले, ठीक। ये आपकी सी आउट है जो आपके डेटा को लेके जाएगी, कहां लेके जाएगी? कंसोल पे। तो इस डेटा को अगर कंसोल, ये सी आउट है, ये कंसोल से कनेक्टेड है, ठीक, ये तेरी कंसोल स्क्रीन है, डेटा को कंसोल पे ले जाने का काम है सी आउट का, ये आपका डेटा है। तो डेटा को सी आउट को दोगे कैसे? ठीक है, ये वेलकम है, तो यहां पर डेटा को स्ट्रीम में इंसर्ट करने का काम, ये स्ट्रीम है, एक ऑपरेटर करता है ये वाला, इसको बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर, ठीक है। तो देखो जरा कॉन्सेप्ट, यदि मैंने लिखा वेलकम तो वेलकम को इंसर्ट कर रहा है ये, इसको बोला जाता है इंसर्शन ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड इंसर्शन ऑपरेटर, जो आपके डेटा को स्ट्रीम में इंसर्ट करता है। तो जब भी किसी डेटा को आपको स्ट्रीम को देना है तो वो डेटा स्ट्रीम में इंसर्ट कौन करेगा? ये इंसर्शन ऑपरेटर। विद द यूज ऑफ दिस इंसर्शन ऑपरेटर यू कैन इंसर्ट योर डेटा इन स्ट्रीम, आपका डेटा स्ट्रीम में इंसर्ट होगा इस इंसर्शन ऑपरेटर से, राइट। तो इसका मतलब यह है कि यदि मुझे यह डेटा प्रिंट करना है, यदि मुझे ये डेटा प्रिंट करना है तो मुझे इस डेटा और इसके बीच में क्या यूज करना पड़ेगा? दिस वन। ये जो ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर हम C++ में दो पर्पस के लिए पढ़ेंगे। अभी मैं इसको इंसर्शन बोल रहा हूं, लेकिन जिस दिन हम ऑपरेटर वाला टॉपिक पढ़ेंगे उस दिन मैं ये बोलूंगा ये लेफ्ट शिफ्ट भी है, मतलब एक्चुअली दिस ऑपरेटर इज एन इंसर्शन ऑपरेटर, और इसी को आगे मैं बोलूंगा ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर भी है, मतलब ये एक ऑपरेटर दो काम कर रहा है। और अगर ये एक ऑपरेटर दो काम कर रहा है तो याद कर मेरे बच्चे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, एक टॉपिक बताया था मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या पढ़ा था? ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो अगर ये एक ऑपरेटर दो पर्पस के लिए यूज आप कर रहे हो, मतलब ये ओवरलोडेड ऑपरेटर है, और अगर ये ओवरलोडेड ऑपरेटर है तो ये एग्जांपल है पॉलीमॉर्फिज्म का। तो देख पहले प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट क्लास इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म सारी बातें कर ली, इसका मतलब है लग रहा है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के रोड पे चल रहे हैं, क्योंकि जब किसी रास्ते पे जाते हैं तो बातें वही की होती हैं,
होता है ना ऐसा कि कई बार आप घूमने गए, मान लो आप कहीं घूमने गए, फॉर एग्जाम्पल यदि आप गए हैं सपोज कहीं भी कश्मीर गए हैं या आप सपोज कहीं गए हैं, तो बातें फिर वहीं की होती हैं। तो वैसे ही जब हम C++ में हैं तो बातें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की हो रही है। क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस सारे तो बता दिए अभी आपको, प्रोग्राम अभी कंप्लीट भी नहीं किया है और मैंने आपको ये बता दिया कि इनहेरिटेंस क्या हो रहा है, मैंने आपको ये बता दिया कि ये ओवरलोडेड ऑपरेटर है, मैंने आपको ये बता दिया ये सी आउट ऑब्जेक्ट है। ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे और भी, अभी तो बहुत कुछ, फिलहाल अभी डेटा प्रिंट कर दें। ठीक, अब इस सी आउट के बाद मैंने इस प्रोग्राम को कर दिया क्लोज और आप देखिए ये कमांड आपके टर्मिनेट हो चुकी है ना। आपको एक ही कमांड लिखना था, वेलकम इन C++ इन दिस प्रोग्राम। तो डेटा इंसर्ट किया स्ट्रीम में, डेटा कंसोल पे प्रिंट हो गया। लेकिन जब भी C++ में किसी कमांड को आप एंड करना चाहते हैं कि बॉस ये कमांड अब मेरी कंप्लीट हो चुकी है, ओके सो एंड दिस कमांड विद सेमीकॉलन, उस कमांड को हम एंड करते हैं सेमीकॉलन से। सेमीकॉलन इंडिकेट टर्मिनेशन ऑफ द कमांड, सेमीकॉलन इंडिकेट करता है प्रोग्राम में कमांड के टर्मिनेशन को, राइट। तो दिस इज व्हाट योर फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ C++। और यदि आप इसको टर्बो C++ में लिख रहे हैं तो आपको यहां पे एक इसके पहले एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा CLR SCR। एक्चुअली दिस इज कॉल्ड क्लियर स्क्रीन फंक्शन, कि हम ये चाहते हैं कि जब भी कोई डेटा कंसोल पे प्रिंट हो, जैसे अगर मान लो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, अब मुझे आपको नेक्स्ट टॉपिक बताना है तो मुझे ये क्लीन करना पड़ेगा ना, तब जाके तो मैं आपको नेक्स्ट डेटा बता पाऊंगा। यदि मान लो मैं यही पे C++ मैंने लिखा, अब नेक्स्ट लेक्चर है पायथन का, तो यही साइड में पायथन पढ़ा दूंगा, तो बच्चा C++ भी देख रहा है, पायथन भी देख रहा है, जावा भी देख लेगा, मतलब मेरे को एक बोर्ड को क्लीन करना पड़ेगा ना बच्चे। तो वैसे ही जब कंसोल पे कुछ नया रिजल्ट चाहिए तो पुराने रिजल्ट को क्लियर कर दो। तो इसको हमने पहले यूज किया CLR SCR, बट इट रिक्वायर्ड इन टर्बो C++, नॉट इन VS Code। VS Code में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं, आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन क्लियर द स्क्रीन। अब मुझे बताओ CLR SCR इसके पहले लिखना चाहिए या बाद में? कई बच्चे बोलते हैं सर बाद में। अरे बाद में क्यों बेटा, लॉजिक इसी को बोलते हैं। देखो आप कमांड तो सब आती है, अब आपने लिखा वेलकम इन C++ और आपने इसके बाद लिख दिया CLR SCR। CLR SCR का काम है स्क्रीन क्लियर को, क्लियर द स्क्रीन। आपने लिखा वेलकम, ये कंसोल पे वेलकम प्रिंट हो गया, ठीक है, ये कंसोल स्क्रीन पे आ गया वेलकम, ठीक है, वेलकम इन C++ ये आ गया। फिर आपने लिखा CLR SCR, तो उसने क्या किया, स्क्रीन को क्लियर कर दिया। अब देखो ब्लैंक स्क्रीन। तो ये नहीं करना है, ध्यान से सुनना, आपको लॉजिक सही लिखना है। फर्स्ट यू हैव टू राइट CLR SCR, देन वेलकम इन C++, ओके। अब यदि टर्बो C++ में आप कोड लिख रहे हैं तो आप देखो जैसे ही इस प्रोग्राम को आप रन करोगे, सुनना ध्यान से, जैसे ही इस प्रोग्राम को आप रन करोगे आपके आउटपुट स्क्रीन आएगी, उस पर वेलकम लिखा होगा, लेकिन वो आके फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड भी ज्यादा बोल रहा हूं, माइक्रो सेकेंड में आपकी स्क्रीन आके चली जाएगी, मतलब आउटपुट आया और स्क्रीन डिसअपियर हो गई। उसका कारण आप समझना, ये आउटपुट स्क्रीन तब तक आपको दिखेगी जब तक पीछे मेन चल रहा है, मेन चल रहा है आउटपुट दिख रहा है। कॉन्सेप्ट सुनना, मेन शुरू, आउटपुट स्क्रीन सामने, CLR SCR स्क्रीन क्लियर, सी आउट स्क्रीन में डेटा आया और मेन का क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया, मतलब आउटपुट स्क्रीन अपने आप डिसअपियर हो जाएगी। तो आप इस प्रोग्राम को भी देखना, मैं सिस्टम पे जब राइट करूंगा ना, हम इसको लिख के कंपाइल करेंगे, Ctrl F9 रन करेंगे, तो ऐसा लगेगा आपको कि कुछ ब्लिंक हुआ है और उसमें स्क्रीन आ भी गई, चली भी गई, आउटपुट आप देख ही नहीं पाए, होगा ऐसा टर्बो C++ में। ठीक है, अब आउटपुट आपने देखा ही नहीं, तो सर हम तो देख ही नहीं पाए। अब कभी भी ऐसा हो गया कि अगर आपका आउटपुट स्क्रीन डिसअपियर हो गई है, आपको उसको दोबारा देखना है, तो टर्बो C++ में Ctrl F9 के बाद आपको एक और की प्रेस करना है Alt F5। ये Alt F5 कंपलसरी कमांड नहीं है, आपको अगर ये लगता है कि आपको अपने स्क्रीन जो डिसअपियर, कंसोल स्क्रीन डिसअपियर हो गई, दिख नहीं रही है, अगर आपको उसको शो करना है, जस्ट यूज Alt F5। तो विद द यूज ऑफ दिस Alt F5 आप अपनी कंसोल स्क्रीन को दोबारा सामने ला सकते हैं, समझ रहे हो? ठीक, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि सर मैं तो ये चाहता हूं कि मेरी स्क्रीन तब तक रुके जब तक मैं चाहता हूं, ठीक, तो अभी मैं नो डाउट एक फंक्शन का आपको यूज बता रहा हूं, लेकिन उसका यूज कोई स्क्रीन को होल्ड करना नहीं है, फिलहाल हम उसको इसके लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन आगे मैं आपको उसका स्पेसिफिक यूज बताऊंगा कि व्हाई एक्चुअली वी आर यूजिंग दिस फंक्शन। हम ये चाहते हैं कि सर इसके बाद मेरी कंसोल स्क्रीन गायब ही ना हो, डिसअपीयर ही ना हो,
वो होल्ड रहे, तो आप इस प्रोग्राम को यहां स्टॉप कर दो। होता ना, आपकी गाड़ी चल रही है और रेड लाइट आ गई, तो आपकी गाड़ी वहीं रुक जाएगी ना, फिर रेड लाइट हटेगी, फिर आगे बढ़ेगी। सिमिलर टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट है कि कंसोल स्क्रीन तब तक चलती है जब तक प्रोग्राम चल रहा है। प्रोग्राम को अगर आप बीच में ही रोकना चाहते हैं, क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में, सो जस्ट यूज दिस फंक्शन गेट सी एच। यदि आपने गेट सी एच लिख दिया तो गेट सी एच का फुल फॉर्म है गेट अ कैरेक्टर। जब भी प्रोग्राम में गेट सी एच लिखा जाता है तो उसके बाद वाली कमांड तब एग्जीक्यूट होती है जब आप कंसोल से कुछ कैरेक्टर दोगे, आप, है ना। इफ यू कैन इफ वॉन्ट टू होल्ड द स्क्रीन तो आप गेट सी एच लिख दो, बट गेट सी एच इज नॉट फॉर होल्ड द स्क्रीन। रिमेंबर, गेट सी एच का फुल फॉर्म है गेट अ कैरेक्टर। तो अब क्या हुआ देखो, अब इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन समझना। CLR SCR स्क्रीन क्लियर, सी आउट वेलकम, ये प्रिंट हो गया वेलकम, वेलकम इन C++ ये प्रिंट हो गया, राइट। इसके बाद गेट सी एच स्क्रीन रुकी। अब वो आपसे बोल रहा है ये जो कर्सर होगा स्क्रीन पे, अब आपसे बोला जाएगा ओके कैरेक्टर देना है। गेट सी एच मतलब होल्ड है स्क्रीन, आपको कैरेक्टर देना है, मत दो आप। जब तक आप कैरेक्टर नहीं दोगे वो प्रोग्राम को इसके आगे एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। अब जब आपको लगता है कि हाँ आउटपुट हमने अच्छे से पढ़ लिया है, अब कोई भी कैरेक्टर प्रेस कर दीजिए। अब जब आप कैरेक्टर प्रेस करोगे तो प्रोग्राम यहां से आगे कंटिन्यू करेगा, और कंटिन्यू मतलब क्लोजिंग ब्रैकेट, तो आपका प्रोग्राम आप टर्मिनेट कर देगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट, ये पहला C++ का प्रोग्राम आपको समझ में आया है कि किस तरीके से हम C++ का कोड लिखते हैं। व्हाट इज सी आउट, अभी मैंने आपको सी आउट के बारे में बताया है, वी हैव नॉट डिस्कस्ड एनीथिंग अबाउट सी इन स्टेटमेंट। अभी हमने केवल ये बात की है स्ट्रीम क्या होती है, ठीक है। तो शुरुआत अगर हम करें तो हमने शुरुआत की थी यहां से कि व्हाट इज स्ट्रीम एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रीम इन C++। तो हमने ये देखा स्ट्रीम के बारे में कि स्ट्रीम दो तरीके की होती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम एंड इनपुट स्ट्रीम। सी आउट इज एन ऑब्जेक्ट वी यूज एज एन आउटपुट स्ट्रीम, सी इन इज एन ऑब्जेक्ट वी यूज एज एन इनपुट स्ट्रीम। स्ट्रीम की डेफिनेशन हमने दी थी, सीक्वेंस ऑफ डेटा इन बाइनरी फॉर्मेट इज कॉल्ड स्ट्रीम, और फिर हमने इसको डिटेल में देखा। ओके, देन हम लोगों ने बात की, ये देखो आप, मैंने आपको बताया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रीम, वन इज सी आउट एंड सेकंड इज सीन, एंड बोथ आर एक्चुअली ऑब्जेक्ट, और अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इनके पीछे क्लासेस है। फिर हमने इनकी क्लास हायरार्की की बात की कि दिस इज अ क्लास, कि iOS इज द टॉप मोस्ट क्लास, देन iStream और OStream। iStream OStream से इनहेरिटेड है iOStream क्लास, iStream और OStream से इनहेरिटेड है iOStream क्लास व्हिच कंटेन्ड बोथ द ऑब्जेक्ट, एंड दिस बिलोंग्स टू हेडर फाइल iostream.h। ओके, एंड देन आफ्टर हमने बात की कि बॉस हाउ टू राइट द फर्स्ट C++ प्रोग्राम टू प्रिंट वेलकम, कि अगर आपको वेलकम प्रिंट करना है देन हाउ वी कैन यूज सी आउट स्टेटमेंट, ठीक है। और ये अभी हमने टर्बो C++ का सिंटेक्स लिखा है। अगर आप सेम VS कोड में भी लिखते हैं तो कोई इशू नहीं है, बट वहां पर आपको CLR SCR नहीं लिखना है, एंड इफ यू कैन नॉट राइट गेट CS देन इट इज ओके। ओके, सो दिस इज व्हाट द कोड ऑफ फर्स्ट C++ प्रोग्राम। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है, और यदि वीडियो समझ में आया है तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए और बने रहिए इस कोर्स में, क्योंकि बातें बहुत होंगी, ये तो शुरुआत है अभी। और इस एक लेक्चर में अगर आप पिछले जितने भी 30-40 मिनट्स हम लोग बात कर रहे हैं, एटलीस्ट 3 इंटरव्यू क्वेश्चंस में आपको इसमें बता चुका हूं जो कि आपसे पूछे जाएंगे। व्हाट इज स्ट्रीम, व्हाट इज सी आउट, व्हाट इज सीन, ये बिगिनिंग लेवल के क्वेश्चन से तैयार रहेगा इसके लिए, ठीक है। स्ट्रीम क्या होती है, कितने टाइप की होती है, राइट डाउन द हायरार्की ऑफ स्ट्रीम क्लास, तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक। तो चलिए मैं मुलाकात करूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, बने रहिए इस कोर्स में। एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और आपको मैं बता दूं कि इस पूरे कोर्स को हम 3 टाइप से पढ़ेंगे, है ना। ये पिछली बार भी मैं बताना चाह रहा था लेकिन आई फॉरगेट इट। इस पूरे कोर्स को हम 3 टाइप से पढ़ेंगे C++ को। पहला मतलब एक्चुअली 3 टाइप के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जब भी C++ का इंटरव्यू होता है 3 टाइप के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, और उसी तरीके से हम हमारा कोर्स भी पढ़ेंगे। पहला, आपको मैं एक प्रोग्राम दूंगा जो हमें बनाना है, जैसे ये राइट है प्रोग्राम टू प्रिंट वेलकम इन C++, तो ये हमने कोड लिखा। दूसरा, एक प्रोग्राम आपको दिया गया है जिसका आउटपुट आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन आता है कि आपको एक प्रोग्राम दिया गया है और आपसे बोला जाएगा ओके टेल मी व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। और तीसरा, एक प्रोग्राम आपको दिया है जिसमें आपको एरर डिटेक्ट करना है, फाइंड आउट द एरर इन दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में एरर क्या है। तो इन 3 तरीके से जब इंटरव्यू होगा तो हम 3 तरीके से C++ भी पढ़ेंगे। ओके, सो बी रेडी विद दैट। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए, बने रहिए इस कोर्स में, और प्रैक्टिकल डे
बाय डे करते रहिए, जिस दिन जो पढ़ा है उसको उसी दिन प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आप देख लीजिए। मैं आपको ये पहला प्रोग्राम अभी दोनों एडिटर में बताने वाला हूं, बस बने रहिए, प्रैक्टिकल करते रहिए, खुश रहिए और बाकी की सारी चिंताएं मेरे पे छोड़ दीजिए, ठीक है, डेटा फ्लेयर पे छोड़ दीजिए, क्योंकि बाकी आपको कोई चिंता नहीं करना है, बस आपको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।